हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिफरेंट मेथड से गाजर का हलवा बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हमने फ्रेश गाजर को कोर लिया है और ये देखिए, सबसे पहले कढ़ाई गरम करके उसमें हम सीधे इस गाजर को डाल देंगे बिना किसी घी वगैरह के। ये देखिए, और उसे अच्छे से चला लेंगे एक दो बार। थोड़ा इसका पानी ड्राई हो जाए, ये थोड़ा इसका पानी सूख जाए। ये देखिए, ढक्कन लगा के रख दिया है। थोड़ी देर बाद हम इसे देखेंगे तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और धीरे धीरे इसका पानी भी आपको सुखाते रहना है। और अब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए जो आपको पसंद है, किशमिश, बादाम, काजू वगैरह, पिस्ता भी डाल सकते हैं आप। जो आपको पसंद है वो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और गाजर को चलाते रहिए ताकि इसका पानी सूख जाए, थोड़ा ड्राइनेस आ जाए इसमें। उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। देखिए, इससे जल्दी भी पकेगा और आप इसमें फुल क्रीम दूध भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ। देखिए, आपने इसको चलाते रहना है बार बार। ये देखिए, और ये देखिए, 1 कटोरा भर के मैं इसमें फ्रेश मलाई डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा और अच्छा टेस्ट आए। और अब डाल दीजिए इसमें घी जितना आप चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है और जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं, क्योंकि गाजर में खुद की भी अपनी मिठास होती है। बहुत ज़्यादा चीनी ना डालें एकदम। और अब इसे पका दीजिए, ढक के रख दीजिए पकाने के लिए और थोड़ी देर बाद देखिए। और इसे दबा कर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, पानी आ रहा है तो इसका मतलब अभी हमें इसे और पकाना है। इसका पानी पूरा सूखने तक इसे पकाना है हमने, और जिससे इसका कलर और थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये देखिए, तो 10 से 15 मिनट हमें इसे पकाना पड़ेगा। तो ये देखिए, झटपट बनने वाला बहुत अच्छा गाजर का हलवा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।